नमस्कार दोस्तों, सभी राजस्थान वासियों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना संकट से तो हमारा प्रदेश जूझ ही रहा है, वहीं आपको बता दें कि एक और विनाशकारी बीमारी आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और दोस्तों ब्लैक फंगस पूरे प्रदेश में फैल गई है। आपको बता दें कि जान बचाने के लिए आँखों को निकालना पड़ रहा है। ऐसी कई घटनाएं राजस्थान में देखने को मिली है जिन व्यक्तियों में ब्लैक फंगस हो गया है। दोस्तों कुछ लोगों की इसमें आँख निकालनी पड़ी है, तभी जाकर उनकी जान बची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों राजस्थान में पहले से ही कोरोना ने पैर पसार रखे हैं और वहीं अब ब्लैक फंगस ये दूसरी बीमारी आ गई है। कोविड संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच पैर पसारते ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से राजस्थान में खौफ सताने लगा है। कोरोना से लड़ रहे राज्यों के दूसरे बड़े शहर जोधपुर को अब ब्लैक फंगस ने अपना शिकार बना लिया है। यहाँ भी इस बीमारी से जुड़े कई केस आने लगे हैं। कोरोना की आड़ में होने वाले इस फंगस ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। कोरोना का इलाज करा रहे लोगों में उपजे खौफ के बीच डॉक्टरों के सामने चुनौती है कि इससे कैसे निपटा जाए ताकि ये लोगों में पनपे नहीं। अब तक आए 3 मामले सामने जोधपुर में। अब तक ब्लैक फंगस के अब तक 50 से अधिक केस केवल एम्स अस्पताल में आ चुके हैं। इनमें से जोधपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ सामान्य मामलों में समय रहते इलाज करवा लेने से मरीज इससे पूरी तरह से मुक्त भी हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ऐसा नहीं है कि ये दोनों आंखों में एक साथ हो, एक आंख में एक बार में हो सकता है। दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर राजस्थान से जुड़ी चाहे कोरोना की अपडेट हो या ब्लैक फंगस से संबंधित हो या लॉकडाउन से संबंधित हो, चाहे राजस्थान में छोटी से छोटी योजना आ रही हो, हर चीज़ से आपको मैं इस चैनल पर अपडेट करवाता रहूँगा। इसलिए तुरंत ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जोधपुर के MDM अस्पताल में एक महिला की आँख तक फंगस पहुँचाने का मामला सामने आया। इस मामले में महिला की एक आँख को पूरी तरह से निकालना पड़ा। एम्स में भी आया एक और मामला जो कि बाड़मेर से था और बाड़मेर में कोरोना संक्रमित होने के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि होने पर एक महिला को इलाज के लिए एम्स में लाया गया और अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बाजारों से इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी गायब हो गई हैं। जोधपुर में इस बीमारी का संकट ज़्यादा है क्योंकि अब तक पॉजिटिव आए मरीजों में 60% से अधिक को डायबिटीज, दूसरी इम्यूनिटी कम होने वाली बीमारियाँ थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोरोना जिनमें पहले पॉजिटिव थे उनमें भी अब ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है और इस प्रकार से नई नई बीमारियां पनप रही हैं। ये क्या कुदरत का कहर प्रदेश में हो रहा है। दोस्तों यहां पर राजस्थान से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना।